बिहार राज्य के कटिहार में 16 साल नाबालिग के साथ बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने दरिंदों के लिए तालिबानी सजा की मांग की है। छात्रों ने बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला। कि यहाँ जो मायनूर के साथ ये जालिमाना हरकत हुई है, उन्हें जो मौत के घाट उतार दिया गया है, उनके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उन्हीं के अगेंस्ट हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिहार सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कातिल को जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए और ऐसी इबरत बनानी चाहिए उसको, ताकि पूरे दुनिया में ये बात इबरत बन जाए। देखिए, ये कैंडल मार्च किया गया है एक लड़की के लिए, जिस लड़की के साथ उसके जिस्म को छनली करने की कोशिश की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया, और जिस तरह से बलात्कार किया गया है वो सब लोगों के सामने है। वो बलात्कार नहीं बल्कि जो सोची समझी एक साजिश है, और जिस हिसाब से वहाँ कटिहार में बताया जाता है कि प्रधानी की कुछ रंजिश थी, जिस रंजिश की वजह से उस बच्ची का बलात्कार किया गया है, उस नन्ही सी बच्ची की खता मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर उन गुनहगारों से जो बच्ची को बढ़ते रेपिस केस कब बंद होंगे, कब लड़कियों के ऊपर से अत्याचार होना बंद हो? कैंडल मार्च है, ये एक रेप की घटना हुई है बिहार में, बिहार के कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड में एक 16 साल की बच्ची 10वीं पास की थी अभी अभी, उसके साथ रेप हुआ है और बलात्कार छोटा मोटा कोई बलात्कार नहीं, उसको पहले घर से किडनैप किया गया, फिर ले जाके उसके साथ 3 दिन तक कंटिन्यूसली बलात्कार किया गया और फिर हाथ पैर तोड़ के उसे फांसी से लटका दिया गया। आरोपी को पुलिस और प्रशासन बचाने का कोशिश कर रहा है। उसकी बच्चे की माँ, बच्ची की माँ रोड पे लाश को लेके बैठ के न्याय की भीख मांग रही है।